हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बात बात पर रोने वाली महिलाएं शुभ होती हैं या अशुभ। लेकिन हमारे यहाँ बात बात पर रोने वाली महिलाओं को अशुभ बोला जाता है, लेकिन यहाँ चाणक्य जी ने कुछ अलग ही बताया है। चाणक्य नीति के मुताबिक बात बात पर रोने वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये महिलाएं अपने पति परिवार से दूर नहीं होना चाहती हैं और परिवार को एकजुट रखती हैं। ऐसी महिलाओं के बारे में कुछ और बातें जिनका हमें नहीं है पता। ये महिलाएं कोमल दिल की होती हैं और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखती हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलग ही है। जो महिलाएं बात बात पर रोने लग जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं, तो उन्हें अशुभ माना जाता है। ये महिलाएं अपने मन में कोई बात ज़्यादा देर तक नहीं रखती और जल्दी माफ़ कर देती हैं। ये ज़्यादा ही इमोशनल होती हैं और जल्दी ही पिघल भी जाती हैं। ये कठोर दिल की नहीं होती। इन महिलाओं के अंदर गुस्सा और तनाव जमा नहीं होता और ये सब चीज़ें आंसुओं के जरिए बाहर निकाल देती हैं। ये अपने गुस्से को भी आंसुओं के जरिए निकाल देती हैं, अपने दिल में उस बात को दबा कर नहीं रखती हैं, आंसुओं के साथ उसे बाहर निकाल देती हैं। ये महिलाएं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं और उनके अंदर ममता कूट कूट कर भरी होती है, ममता से भरपूर होती हैं ये। इन महिलाओं की यह खासियत पूरे परिवार को उनका मुरीद बना देती है। मुरीद मतलब दीवाना या कुछ भी बोल सकते हो। ये महिलाएं मुश्किल वक्त को भी आसानी से पार कर लेती हैं। महिलाओं की बार बार रोने की आदत होती है परिवार के लिए बेहद शुभ। हैरान कर देंगे कारण महिलाओं की कुछ बातें, कुछ आदतें उनके जीवन के लिए तो अच्छी साबित होती ही हैं, लेकिन वे घर परिवार के लिए भी बेहद शुभ मानी जाती हैं। ऐसी ही एक आदत है बात बात पर रोने की। जरा सा उन्हें डांट दिया या उसकी बात को कोई नहीं समझता तो वो रोने लग जाती हैं। चाणक्य नीति में महिलाओं की इस आदत को परिवार की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र, कूटनीति, राजनीति के अलावा घर परिवार से जुड़ी बेहद काम की बातें बताई हैं। आचार्य चाणक्य जी एक पुरुष हैं जो महिलाओं की तारीफ कर रहे हैं। चाणक्य नीति में बताई गई हैं ये बातें घर को सौरग बना देती हैं, पति पत्नी के रिश्ते को बेहद मजबूत करती हैं और जीवन में हर सुख पाने का तरीका बताती हैं। आज हम महिलाओं की एक खास आदत के बारे में बात करते हैं जिसे चाणक्य नीति में बहुत अच्छा बताया गया है। आपने देखा होगा कि कई महिलाओं में बात बात पर रोने की आदत होती है। आचार्य चाणक्य नीति के मुताबिक ऐसी महिलाएं घर परिवार के लिए बेहद शुभ साबित होती हैं, इसलिए परिवार के लिए लक्की होती हैं। ये महिलाएं परिवार के लिए लक्की कॉइन मानी जाती हैं। ऐसी महिलाएं बड़ी किस्मत वालों को मिलती हैं। ऐसी महिलाएं परिवार का उद्धार कर देती हैं। ऐसी महिलाएं घर की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। बात बात पर रोने वाली महिलाओं का चरित्र थोड़ा अजीब होता है,
लेकिन जिसका भी विवाह ऐसी महिला के साथ होता है तो उसके नसीब खुल जाते हैं। आचार्य चाणक्य की नीति शास्त्र में जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में निजी जीवन शैली, नौकरी, व्यापार, रिश्ते, मित्रता, स्त्रू आदि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं।